स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में फिलहाल चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ट्विस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्री राधा रानी को इस बात की खबर लग चुकी है कि अब श्री कृष्ण का पृथ्वी से जाने का वक्त आ गया है, यानी कि श्री कृष्ण की मौत अब बेहद करीब है। हालांकि कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि श्री कृष्ण तो भगवान हैं, तो भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि जिन लोगों ने राधा कृष्ण की कहानी को फॉलो नहीं किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए श्री कृष्ण अपनी सर्वस्व शक्तियां त्याग चुके हैं, जिसके बाद वो एक आम प्राणी के रूप में पृथ्वी पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए राधा रानी को उनकी अत्यंत चिंता भी होती है। भागवत पुराण में भी बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साम को एक शरारत सूझी थी। वो एक स्त्री का वेश धारण करके अपने मित्रों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में साम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। जब उनका यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा, तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने साम को श्राप दे दिया। यहाँ पर साम को जो श्राप मिला उसमें कुछ ऐसा कहा था ऋषियों ने कि ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी तुम जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस श्राप को सुनकर साम बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने साम से कहा कि वो तीर का चूर्ण यानी कि तीर का चूरन बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें, इस तरह उनके श्राप से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद साम ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश पारित कर दिया था कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाए और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोग कई अशुभ संकेत का अनुमान करने लगे, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य होना भी शामिल है। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा दुखी और आहत रहने लगे। उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्त पाने को उन्हें सुझाव दिया। उनकी बात को सब लोगों ने मानकर प्रभास नदी के तट पर अपना रहने का इंतजाम किया, लेकिन वहां जाकर सभी मदरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मर गए। यही आप सभी को राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि साम की साजिश का शिकार इस बार श्री कृष्ण अवश्य होंगे और शिकार भी इस तरह से होंगे कि उनको अपने प्राण भी त्यागने होंगे। यानी कि आगे आने वाले एपिसोड में अगर ये कहानी हमको एज इट इज़ ही दिखाई जाती है, जो हमने आपको जस्ट अभी बताई भागवत पुराण के अनुसार, तो देखना होगा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प कि आखिर वो ऐसा कौन सा शख्स होगा जो श्री कृष्ण के पैर में तीर मारकर उनके प्राण हर लेगा। आखिर क्यों ऐसा होगा श्री कृष्ण के साथ, ये सारे राज आपको बहुत जल्द आपके फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी में मिलने के लिए बहुत जल्द मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके पृथ्वी को छोड़कर चले जाने के बाद हम सब की प्यारी लाडली श्री राधा रानी का क्या होगा। वेल, इस बात की अपडेट हम आपको देंगे अपनी अगली किसी रिपोर्ट में। लेकिन जब तक ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को आप सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।